स्वास्थ्य आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, धर्म बोध में आपका स्वागत है। मैं धर्मदास उदासीन आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो लाया हूं आपकी सेहत के लिए। आपकी सेहत उत्तम हो इसके लिए आप जानते हैं कि तीन चीजें व्यक्ति को जल्द बूढ़ा बना देती हैं। व्यक्ति को जल्द बूढ़ा बना देते हैं ये तीन काम कौन कौन से हैं काम, वो आप जाने। नंबर एक, आवेश ग्रस्तता। यदि व्यक्ति हमेशा आवेश ग्रस्त रहे, रोज ही वह काम क्रोध लोभ मोह मद घमंड चिंता तनाव शोक में रहे, तो वह समय से पहले हो जाता है बूढ़ा। ये बात मैं नहीं कह रहा, केवल ये बात हमारे शास्त्र पुराण, हमारे महापुरुष, हमारे आयुर्वेदाचार्य और आपका अपना अनुभव भी कहता होगा कि यदि व्यक्ति हमेशा रहे शोकाकुल आवेशग्रस्त, रोज ही व्यक्ति का जीवन रहे भरा हुआ तनाव से, व्यक्ति का जीवन रहे भरा हुआ चिंताओं से, तो वह असमय हो जाता है बूढ़ा। तो आपको अब क्या करना, आपको अपनी चिंताओं से दूर रहने का सुप्रयास है करना। आप सब कुछ संसार में करें लेकिन सिर पर बोझ लेके न चलें। आपने अपनी इच्छा से लिया है जन्म, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपनी इच्छा से हैं। आपने जिस गांव में शहर में लिया है जन्म, क्या अपनी इच्छा से? आपने क्या अपनी इच्छा से अपने परिवार को चुना था? नहीं ना। आपका रंग गोरा है, काला है, सांवला है, अपनी इच्छा से है? आप लंबे हैं, नाटे हैं, सामान्य कद के हैं, अपनी इच्छा से? नहीं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, अपनी इच्छा से? नहीं। एक क्षण के बाद क्या होगा आपको नहीं पता, इसलिए जो भी हो रहा है उसे सहज स्वीकारिए। बस अपने कर्तव्य को याद रखिए, आपके हाथ में है आपके कर्म, आपके हैं कर्तव्य, उसके फल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम अपना कर्म करते रहो, फल में आसक्त न हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो ध्यान ज्ञान तो रहेगा ही फल का, लेकिन उसमें अधिक आसक्ति होना अपने लिए आत्मघाती होता है। ओके, इसलिए आवेश से दूर रहें, रहे दूर चिंता से तनाव से। जो हो रहा है सहज उसे स्वीकारें और हमेशा ही आनंदित रहने का हो प्रयास। रहिए खुश, रहिए व्यस्त, रहिए मस्त। यह है पहला सूत्र। आपको असमय बूढ़ा बनाने वाला है जो दूसरा कार्य, वो है शरीर की अशुद्धि। यदि आपका शरीर अंदर से साफ नहीं रहता, शुद्ध नहीं रहता, हमेशा विकारग्रस्त रहता है बना हुआ, तो क्या होगा? आपका शरीर असमय अक्षम हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर को अंदर से साफ रखने का भरपूर हो प्रयास। आपका शरीर यदि अंदर से साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, विकार रहित रहेगा, तो कोई रोग नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, तो आप
समय बूढ़े नहीं होंगे और आप जीवेम सर्दह सतम को चरितार्थ करेंगे। आप 100 साल जिएंगे कम से कम। तो शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको जानना सीखना होगा एनिमा, जानना होगा वोमन के तरीके, जानना होगा नीति और आसन प्राणायाम इत्यादि। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शरीर अंदर से शुद्ध बनेगा और आप असमय बूढ़े न होंगे। तीसरा है अप्राकृतिक आहार विहार। यदि आपका आहार विहार, खान पान, रहन सहन, जागना सोना अप्राकृतिक है, यदि नेचुरल नहीं है, तो आप असमय होंगे वृद्ध। ठीक है, आप चाहते हैं हो ना, नहीं ना साहब, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम असमय हो जाएं बूढ़े। इसलिए अपने आहार विहार को आप नेचुरल बनाइए, अपने आप को जोड़िए नेचर के साथ, आपका भोजन हो शुद्ध नेचुरल। आप भोजन में सलाद, फल, अंकुरित अनाज का सेवन किया करें, आप वैसे आहार लें जो कि आते हैं पेड़ पौधों से, केवल वैसे आहार लें, मांस मछली दूध का, यानी कि जो आहार जंतु से आते हैं आप उन्हें न्यूनतम लें या फिर ना लें तो बेहतर। दोस्तों, आपने अगर ये तीन चीजें अपने जीवन में की, इन तीनों पर ध्यान दिया, तो आप असमय बूढ़े नहीं होंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप असमय बूढ़े होंगे, जल्दी हो जाएंगे बूढ़े। और क्या होगा, और जल्दी राम नाम सत्य हो जाएगा। चाहते हैं ऐसा, नहीं ना, तो फिर इन बातों पर ध्यान देंगे। और यदि आपके मन में शंका हो, सवाल हो, जिज्ञासा हो, तो आप हमें जरूर लिखिए, हम आपको उत्तर देने का सुप्रयास करेंगे। धन्यवाद।